सो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड थैंक यू एवरीवन जिन जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको दिल से शुक्रिया। एंड ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है, इसलिए नहीं कि अब चैनल मोनेटाइज हो सकता है, क्योंकि अभी नहीं हो सकता, उसके लिए 4000 वॉचर्स चाहिए होते हैं एंड मेरे अभी तो 2000 भी नहीं हुए, बट इसलिए क्योंकि ये वैलिडेट करता है एक हाइपोथेसिस को कि इस तरह के कंटेंट की नीड है एंड लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है। इट कीप्स मी मोटिवेटेड कि मैं ऐसी वीडियोस और लाते रहूं फ्यूचर में। एंड मेरे को पता है कि अब गिव अवे का टाइम है, मैंने प्रॉमिस करा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स पे एक पेड कोर्स गिफ्ट करूंगा यूडेमी का एंड वो मैं अनाउंस करूंगा इसी वीडियो में। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, तो ये चैनल मैंने स्टार्ट करा था लास्ट ईयर 2020 सितंबर में एंड मेरा विजन ये था कि मैं कोडिंग ट्यूटोरियल्स डालूंगा इस पर। मेरे को एंड्रॉयड आती थी, फ्लटर आती थी, तो मैं सोचा फ्लटर और एंड्रॉयड के कोर्सेज डालता हूँ, क्योंकि मैंने आसपास देखा कि लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कोडिंग सिखाने के, ऐसी चीज़ के लिए जो कि आप फ्री में सीख सकते हो ऑनलाइन एंड मैं सिखा सकता हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना वीडियोज़ डालें इस पर, एंड मैंने वीडियोज़ डाली, उस पर कुछ व्यूज़ भी आए, दिन के एक दो सब्सक्राइबर्स हो जाते थे, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस चैनल को ग्रो करना है शुरू में या एकदम से ही टेक ऑफ कर जाए। ऑब्वियसली मेरे दिमाग में था कि फ्यूचर में ग्रो करना है, लेकिन उस 2-3 महीने में मेरा एम कि बस मैं क्वालिटी को अप करूं, अपनी कैमरा शाइनेस दूर करूं, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाऊं एंड अपनी कंटेंट की जो ओवरऑल क्वालिटी है उसको इंप्रूव करूं। फिर एक बार जब क्वालिटी स्टेबल हो गई तो मैं सोचा कि अब चैनल को ग्रो करना शुरू करते हैं, तो आई वेंट आउट लुकिंग फॉर कोलैब्स। तो सबसे पहले मैंने एक यूट्यूबर को रीच आउट करा, उनके यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैंने इंस्टा पे रीच आउट करा एंड कहा कि हे आई एम अ न्यू यूट्यूबर एंड आई वॉन्ट टू कोलैब, काफ़ी बड़ा मैसेज लिखा था याद नहीं है, बट उन्होंने ऑल्दो कोलैब नहीं करा बट एक काफ़ी अच्छी एडवाइस थी। उन्होंने कहा कि डेवलपर व्लॉग्स और ज़्यादा डालो, यानी कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ या फिर मैं आपको ऑफ कैंपस वगैरह के टिप्स देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि कोडिंग वीडियोस के साथ वो चीज़ें भी डालो क्योंकि वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं सोचा क्यों नहीं उसे ट्राई करके देखें, उनकी एडवाइस मान लेते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर नंबर थे उनके। तो मैंने वो वीडियोज़ डाली, एक दो वीडियोज़, एंड बिलीव मी मेरी ग्रोथ उसी टाइम से डबल हो गई, यानी कि जहाँ मेरी वीडियोज़ पर पहले 60-70 व्यूज़ आते थे वहीं 120-130 व्यूज़ आने लग गए। वॉच टाइम ड्रास्टिकली बेटर था, यानी कि पहले 50 सेकंड या 40 सेकंड का वॉच टाइम आता था बट इट ग्रू टू 4 मिनट्स 3 मिनट्स, तो वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा आने लगा। तो इट मोटिवेटेड मी अ लॉट कि ऐसी वीडियोज़ और डालनी चाहिए एंड इट वॉज अ गुड वे टू शेयर माई थाट्स एंड माई एक्सपीरियंस जो कि मैंने 4 साल में एक्वायर करे हैं। बट उसके बाद मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि इस चैनल पे हमेशा दो तरह का कंटेंट चलेगा, एक तो ग्रोथ के लिए जो कि है डेवलपर व्लॉग्स या व्लॉग टाइप कंटेंट एंड दूसरा है एक्चुअल कोडिंग ट्यूटोरियल, एंड ये दोनों ही ज़रूरी हैं। व्लॉग्स इसलिए ज़रूरी है ताकि चैनल की एक ग्रोथ हो, वरना अगर कोई वीडियो ही नहीं देखेगा तो मैं ट्यूटोरियल का क्या करूँगा, एंड ट्यूटोरियल इसलिए ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएशन हो। जैसे कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो उससे बहुत जल्दी कोडिंग सीखने लग जाएंगे बच्चे, तो अगर मैं ऐसा कंटेंट डालता हूँ जिससे उन्हें कोडिंग के लिए पैसे खर्च करने पड़े, YouTube पे आके सीख ले, तो इट विल क्रिएट वैल्यू इन द लॉन्ग रन। तो ये उसके लिए ज़रूरी है जो कि मेरा ओरिजिनल विजन था, एंड ये वाला जो व्लॉग टाइप कंटेंट है ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो आगे चलते हुए भी इस चैनल पे हमेशा दो तरह के कंटेंट रहेंगे, एक ग्रोथ के लिए और एक एजुकेशन के लिए या ट्यूटोरियल आप कह सकते हो, कोडिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह वगैरह। इस चैनल पे कभी ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ बातें होंगी, इस पे प्रॉपर एजुकेशन भी होगी एंड मैं ट्यूटोरियल्स डालते रहूँगा एंड्रॉयड के, फ्लटर के, फायरबेस के, C++ के, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के, इस पे काफ़ी सारा ट्यूटोरियल्स मैं डालूंगा, बट उसी के साथ साथ ग्रोथ का कंटेंट भी डालूंगा। तो आई विल ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द टू एंड आगे आगे जाके देखते हैं कि कैसा रहता है। तो अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे मैं कर रहा हूँ यूडेमी के एक कोर्स का जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 500 रुपये, बट क्योंकि यूडेमी में कोई ऐसा गिफ्ट कार्ड का सीन नहीं है कि गिफ्ट कार्ड मैं खरीद लूँ और किसी को सेंड कर दूँ वाया मेल वगैरह, तो आपको करना क्या है, आपको अपने कोर्स जो कि आपको कोर्स चाहिए जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 500 है उसका एक लिंक कॉपी करना है एंड एक मैसेज के साथ इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड फाइनल थर्ड स्टेप इस वीडियो को लाइक करना है एंड इस वीडियो को काफ़ी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहो। इट विल हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो माई चैनल एंड इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, आप जल्दी जल्दी से सारे लोग कॉमेंट कर दो जो भी आपको कोर्सेज चाहिए एंड मैं ये विनर पिक करूंगा अब से 7 दिन बाद, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा विजन है, बहुत आगे तक का विजन है, तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।